हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीगढ़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वसमिकाएं। सर्वसमिकाएं इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। अगर हमको सर्वसमिका के बारे में अच्छे से नॉलेज रहेगा तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि सर्वसमिका होती क्या है। तो सर्वसमिका एक ऐसी समता होती है, समता का मतलब होता है इक्वालिटी। सर्वसमिका एक ऐसी समता होती है जो उसमें आए हुए सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। क्या बताया हमने कि सर्वसमिका एक ऐसी समता होती है जो उसमें आए हुए सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है, ठीक है ना। ये तो हमने इसकी परिभाषा जान ली, डेफिनेशन जान ली। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सर्वसमिका होती क्या है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना। इसको आप लोग जानते हैं फार्मूले के तरह से, मतलब फार्मूले के रूप में इसको आप जानते हैं, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल नहीं है, अब इसके माध्यम से हम समझते हैं कि सर्वसमिका होती क्या है। अब यहाँ पर आपका ए है बी है, ठीक है ना। अब इस ए और बी की जगह हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए हम ए की वैल्यू रख देते हैं 1, ठीक है ना, और बी की वैल्यू हम रख देते हैं 2। क्या रख देते हैं? 2। अब ये ए की वैल्यू आपकी हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई 2। अब इन वैल्यू को इसमें हम रखते हैं, क्या करते हैं, ये जो आपकी ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है इसमें हम रख देते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि ये सर्वसमिका है, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू आपकी है 1, ठीक है, और प्लस है बीच में, और बी की वैल्यू आपकी है 2, और इसका होल स्क्वायर यहां पर था इसलिए हमने यहां पर भी कर दिया, और बीच में आपका है इक्वल बराबर है, ठीक है। अब यहां भी, अब इस तरफ भी आपको रखना है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर ए है तो ए का, ए की जगह 1 हो जाएगा, ए का स्क्वायर यहां पर है इसलिए यहां भी आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं, और वी की वैल्यू आपकी 2 है इसलिए यहां पर वी की जगह हम 2 रख देते हैं, और इसका भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और फिर से हम प्लस करते हैं, अब यहां पर 2 है आपका, 2 को इसी तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपकी 1 है इसलिए यहां पर 1 लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन के साथ, क्योंकि इन दोनों के तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब यहां पर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 1 और बी की वैल्यू आपकी 2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब कि 2 × 1 × 2 ये ए और बी की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको हम दोनों तरफ वैल्यू रख दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर 2 है और 2 है यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बीच में आपका बराबर है तो बराबर कर देते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस है आपका, प्लस कर देते हैं, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया। उसके आगे हम चलेंगे तो बीच में यहाँ पर प्लस है, प्लस कर देते हैं, और 2 × 1 × 2 2 × 4 और 4 × 4 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4, ठीक है, समझ में आया। अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, यही चीज़ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बराबर है, बराबर कर देते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 1 है, 1 + 4 = 5 हो जाएगा, और 5 में अगर हम 4 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर भी बराबर आ रहा है और इधर भी बराबर आ रहा है,
तो यही चीज हमने आपको बताया कि सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। अब यहाँ पर हमने जो भी चर थे, चर आपका ए और बी था, हमने यहाँ पर वैल्यू रखी इस तरफ भी और इस तरफ भी, और दोनों तरफ की वैल्यू रखने पर हमें वही चीज़ प्राप्त हुई दोनों तरफ। यहाँ पर 9 है तो इधर भी 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 1 ली थी और बी की वैल्यू 2 ली थी। कुछ भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू, चाहे जो ले लें, बस आपको वैल्यू दोनों तरफ रखनी है और वैल्यू आपकी दोनों सेम ही आएगी, ठीक है ना। चलिए हम अच्छा करके भी देख लेते हैं हम इसको। अगर यहाँ पर हमने मान लीजिए हम ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने बताया ना कि इसमें कुछ भी वैल्यू आप रखेंगे लेकिन दोनों तरफ वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अब ए बराबर 2 ले लिया है और v इक्वल टू 1 ले लिया है। अब इसको हम रख कर देखते हैं क्या सही होता है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें रखेंगे तो ये आपका a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर करते हैं, a की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। और आपका बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं, और बी की वैल्यू अब कितनी है, 1 है इसलिए यहाँ पर 1 कर देते हैं, और बी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 वैसे ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से ही लिखा है, ये कोई वैल्यू हमने अपनी तरफ से नहीं रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और हमने बताया कि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते चलते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपकी 2 है और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको हम ऐड करते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब बराबर में हम क्या करते हैं, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, और प्लस में आ गया आपका 2 × 2 × 1, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 + 4 या फिर 4 + 1 + 4 कितना आएगा, 9 ही आएगा ना, तो बराबर में आपका 9 यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को चेंज भी कर दिया तो अभी वैल्यू आपकी बराबर ही दोनों तरफ आई। ये मत देखिए कि यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आए लेकिन बराबर ही आएगी अगर आप दोनों तरफ वैल्यू रखते हैं। कुछ भी अगर ए की जगह आप 10 रख देते हैं, बी की जगह 20 रख देते हैं, वैल्यू दोनों तरफ रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपकी सेम ही आएगी दोनों तरफ, और अगर सेम आती है तो वो आपकी सर्वसंख्या हो जाएगी। ये आपकी सर्वसंख्या है, क्या है, सर्वसंख्या। अब आप घर पर क्या करिएगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू मतलब कुछ भी रख दीजिएगा इन दोनों के अलावा जो हमने अभी आपको बताया है, और ये भी आप ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें भी आप इसी तरीके से वैल्यू रख कर देखिएगा, इस तरीके से जितने भी आपको फॉर्मूले पता हैं उनमें सब में यही रख के देखिएगा ऐसे ही इसी तरीके से वैल्यू, ठीक है, तो आपको बराबर ही मिलेगा, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल क्यूब हो, करीब करीब ये सभी आपकी सर्व समीकरण ही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको घर पर कर लीजिएगा और इसमें आप कोई और भी वैल्यू रख कर देख लीजिए कि बराबर आती है कि नहीं, जरूरी नहीं है आपका 9 ही आए, 10, 11 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी सर्व समीकरण हो गई, सर्व समीकरण में आप समझ, अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अगर कोई डाउट बनता है तो फिर से हमें कमेंट करिए, हम उसको जवाब जरूर से जरूर देंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं, और जो नहीं नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे स्टडी गर्ल से जुड़ी हुई, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।